हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल सुपर की नई आर्क के बारे में। ये सीरीज की तीसरी वीडियो है, तो शुरू करते हैं। अब मोरो की बहुत पिटाई हो रही होती है, बू की एनर्जी कम भी नहीं हो रही होती और वो बहुत मारता है मोरो को। गोकू और वेजिटा उसको चेयर कर रहे होते हैं। मोरो एक एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है जिससे बू का सिर उड़ जाता है, पर बू को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बू का सिर फिर से आ जाता है और वो फिर मारने लगता है मोरो को। गोकू कहता है शायद ग्रैंड सुप्रीम काई की पुरानी मेमोरीज को अनलॉक करने की वजह से ऐसा हो रहा है। बू लगातार मोरो पर भारी पड़ रहा होता है। मिनस कहता है कि ये सही वक्त है कि बू ग्रैंड सुप्रीम काई की वो टेक्निक यूज करे जिससे मोरो को सील किया गया था। बू मोरो को पूरी तरह से एक जगह पकड़ के रखता है और उस टेक्निक की तैयारी शुरू करता है कि तभी क्रैनबेरी एस्का का माइंड कंट्रोल करके ड्रैगन पोरुंगा को समन कर लेता है। क्रैनबेरी पहली विश खुद को हील करने के लिए मांगता है। गोकू और वेजिटा उसको रोकने जाते हैं। मोरो माइंड से क्रैनबेरी को कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि उसकी फुल पावर को रीगेन करने के लिए विश मांगे। क्रैनबेरी विश मांग लेता है, तभी मोरो अपनी फुल पावर में आ जाता है और भाग जाता है वहां से। क्रैनबेरी अपने लिए तीसरी विश मांग ही रहा होता है कि तभी मोरो वहां पहुंच जाता है और उसको मार देता है। मोरो कहता है कि उसको एक और विश मांगनी है। मोरो अपनी विश मांगने में कामयाब रहता है। तभी गोकू और वेजिटा वहां पहुंचते हैं, पर वो लेट हो चुके हैं। वो मोरो से उसकी लास्ट विश के बारे में पूछते हैं, जिस पर मोरो कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चलेगा। वहां पर मीनस और बू भी पहुंचते हैं। बू एस्का को हील करता है, पर उसके अलावा सभी नामेकिन मर चुके हैं। तभी पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। गोकू कहता है कि शायद मोरो इस प्लेनेट की एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका है। बू गोकू वेजिटा को हील कर देता है और उसकी शक्ल ग्रैंड सुप्रीम काई जैसी हो जाती है। ग्रैंड सुप्रीम काई कहते हैं कि मोरो की लड़ाई तक मैं बू की जगह लड़ूंगा। गोकू की हेल्प से सब मोरो के पास पहुंच जाते हैं। मोरो प्लेनेट की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है। मीरस, जैको और एस्का वहां से निकल जाते हैं। गोकू, वेजिटा, बू तीनों मोरो से लड़ रहे होते हैं, पर मोरो उन सब पर अकेला ही भारी पड़ रहा होता है। मोरो नामिक की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि सेंस आउटर स्पेस में नहीं जा सकते, तो सिर्फ बू जाता है मोरो से लड़ने के लिए। दोनों की लड़ाई शुरू होती है, पर मोरो बू पर बहुत भारी पड़ता है। बू या ग्रैंड सुप्रीम काई जैसे भी कह लें, पूरी कोशिश करता है लड़ने की मोरो से, पर मोरो बहुत पिटाई कर देता है। बू या ग्रैंड सुप्रीम काई अपनी सील करने वाली टेक्निक यूज करने के लिए सोचते हैं। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा के पास मीरस एंड पार्टी पहुंचते हैं। मीरस गोकू और वेजिटा को बताता है कि बू अब वो अपनी सीलिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रैंड सुप्रीम काई की कुछ गॉडली पावर्स शायद इविल बू के पास चली गई थी जब इविल बू और गुड बू स्प्लिट हुए थे। मोरो और बू की लड़ाई में सिर्फ बू पिट रहा होता है। मोरो की पावर्स का कोई भी मैच नहीं है। प्रेजेंट बू, जो कि अभी ग्रैंड सुप्रीम काई है, उसको याद आता है अपने पास्ट के बारे में, जब एविल बू मर गया और उसकी पावर्स का कुछ हिस्सा तभी की तभी खत्म हो गया। अब गोकू और वेजिटा मोरो से लड़ने की तैयारी करते हैं। मीरस मान जाता है और एक प्लान के बारे में सोचता है। मीरस एक स्पेस सूट में मोरो की तरफ बढ़ता है। वहां मीरस मोरो का ध्यान भटकाकर बू के पास जाता है और कहता है कि सही टाइम पर बू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करे। नोट दैट कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन ग्रैंड सुप्रीम काई की पावर्स का हिस्सा है। अब मीरस और मोरो की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें मीरस बहुत अच्छा कर रहा होता है। मीरस मोरो की आंखों पर फायर करता है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाता है। मौका मिलते ही बू मोरो को टेलीपोर्ट करके नामेक पर ले आता है, जहां पर गोकू और वेजिटा भी उससे लड़ सकें, क्योंकि वो आउटर स्पेस में नहीं जा सकते। गोकू वेजिटा भी वहां पहुंचते हैं। गोकू वेजिटा पूरी तरह तैयार होते हैं मोरो से लड़ने के लिए। मोरो कहता है कि तुम सब लोग शायद थर्ड विश के बारे में भूल गए हो। गैलेक्टिक पेट्रोल हेडक्वार्टर्स के प्रिजन सेक्शन में सारे कैदी वहां से भाग गए हैं। दरअसल मोरो की थर्ड विश में सारे कैदी फ्री हो जाएं ये था। एक एक करके सारे के सारे कैदी भाग जाते हैं। उन कैदियों में मैकरेनी सिबलिंग्स भी होते हैं। वहां पर सैगनबो नाम का एक कैदी होता है, जिसकी अपनी एक गैंग होती है। सैगनबो गैलेक्टिक पेट्रोल के लोगों पर हमला कर देता है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। सारे कैदियों के भागने की खबर मीरस को पता चलती है और एस्का को याद आता है कि यही मोरो की लास्ट विश थी। सारे कैदी नामिक पर पहुंचते हैं और गोकू, बू और वेजिटा पर हमला कर देते हैं। एक्चुअली पहले से ही सैगनबो और मोरो का ये सब प्लान था, और अब सैगनबो और सारे प्रिजनर्स की आर्मी मोरो के अंडर काम करेगी। मोरो उन सब प्रिजनर्स की एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है और वो सब बहुत पावरफुल हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा उनसे लड़ना शुरू करते हैं। गोकू वेजिटा उन सब पर भारी पड़ते हैं। ये देखते ही कि सब कैदी पिट रहे हैं, मोरो गोकू और वेजिटा की एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। गोकू और वेजिटा सुपर सेन ब्लू फॉर्म से गॉड फॉर्म और फिर सुपर सेन 3 फॉर्म में आ जाते हैं। मौका मिलते ही सैगनबू गोकू पर हमला करता है, फिर वेजिटा पर और फिर बू पर। लगातार एनर्जी अब्जॉर्प्शन के चलते अब गोकू और वेजिटा सुपर सेन भी नहीं बन सकते। लड़ाई के बीच में मीरस और जैको उनको बचाने के लिए आ जाते हैं।
एस्का बू को हील करता है। बू और एस्का इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की हेल्प से हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। गोकू भी मीरस और जैको को लेकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन से हेडक्वार्टर जाने को कहता है, पर वेजिटा मना करके दूसरी डायरेक्शन में उड़ जाता है। ये देखकर विदाउट एनी चॉइस और सबको बचाने के लिए गोकू, जैको और मीरस वहाँ से हेडक्वार्टर चले जाते हैं। वेजिटा एक्चुअली गैलेक्टिक पेट्रोल के एक शिप के पास जाता है जिसमें इरिको नाम का ड्राइवर है। वो इरिको से कहता है कि शिप को प्लैनेट याडराट की तरफ ले चले। प्लैनेट की बहुत सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेने के बाद मोरो फिजिकली भी अब बहुत ताकतवर हो चुका है। मोरो कहता है कि खतरा भी टला नहीं है क्योंकि वो लोग मरे नहीं हैं, सिर्फ भाग गए। सैगनबो मीरस और पार्टी को ढूंढने के लिए कुछ आदमियों को भेज देता है और फिर मोरो और सैगनबो और प्रिजनर्स की आर्मी प्लैनेट नामेक से निकल जाते हैं। गोकू एंड पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुँचते हैं। गैलेक्टिक किंग को सारा मैटर पता चलता है और एस्का और बू भी सही सलामत हेडक्वार्टर्स में मिलते हैं। एस्का के पूछने पर गोकू बताता है कि वेजिटा शायद ट्रेनिंग के लिए किसी और डायरेक्शन में गया है। दूसरी तरफ वेजिटा याडराट की तरफ बढ़ रहा है। वेजिटा इरिको को बताता है कि याडराट वालों को बहुत सी नई नई टेक्निक्स आती हैं जो कि शायद मोरो के सामने काम आएंगी। सैगनबो और उसकी गैंग अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर लोगों को मार रहे हैं और सब सामान लूट लेते हैं। बाकी काम मोरो एनर्जी अब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देता है। सैगनबो को एक फ़ोन आता है जो उसकी एक गैंग का होता है। वो उसको फ़ोन पर बताते हैं एक प्लैनेट के बारे में जिसकी बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसे ही वो बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। गोकू मीरस को टेस्ट करने के लिए उस पर एक पंच थ्रो करता है जिसे मीरस आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू मीरस को फ्रेंडली मैच के लिए कहता है। फिर उनकी फाइट शुरू होती है। गोकू एक भी पंच या किक भी नहीं मार पाता। गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म में आता है पर उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गोकू गॉड फॉर्म में आता है पर रूम उतना झेल नहीं पाता और रूम की दीवारें टूटनी शुरू हो जाती हैं और उनकी फाइट रुक जाती है। गोकू एक्चुअली मीरस की पावर देखना चाहता था और वो उससे काफ़ी इंप्रेस होता है। अब गोकू मीरस को कहता है कि मीरस गोकू को ट्रेन करे। गोकू कहता है कि उसके पास अभी एक ऐसा मूव है जो मोरो के खिलाफ शायद काम आ सकता है, पर गोकू अभी उसको मास्टर नहीं कर पाया और इसलिए मीरस उसको ट्रेन करे। दूसरी तरफ मैकरेने सिबलिंग्स जो कि फिर चोरी में लगे हुए हैं अगले प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अर्थ, और उसी मोमेंट पे वेजिटा याडराट पहुंचता है। क्या मीरस की ट्रेनिंग से गोकू पर कुछ फ़ायदा होगा या याडराट पर वेजिटा कुछ नई टेक्निक सीखेगा? मोरो को कोई हरा पाएगा या नहीं? देखते हैं अगली वीडियो।